वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस। तो आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में। इससे पहले हम डीसी जनरेटर के सारे टॉपिक वन बाय वन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक इस लेक्चर पर डायरेक्ट आए और आपने डीसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो आप डीसी जनरेटर के कॉन्सेप्ट प्लीज प्ले लिस्ट में जाके सारे वीडियो ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो मैं हर कॉन्सेप्ट को इतना ज्यादा डीपली नहीं समझाऊंगा। डीसी जनरेटर में मैंने काफी लंबी प्ले लिस्ट बनाई है और आपको वन बाय वन एक एक स्टेप में सब कुछ समझाया है, तो इसीलिए मैं यहां से अभी डीसी मोटर स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं तो आप वहां से जाइए, यहां पे देखने को मिलेंगे, बट जो रूल पहले वहां पे अप्लाई हो चुके हैं, कॉन्सेप्ट अप्लाई हो चुके हैं, मैंने वहां पे काफी डीपली समझाया, तो यहां पे इतना डीपली मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं अपने पास एक डीसी जनरेटर डीसी मशीन है। मैं इस ब्लॉक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जनरेटर में क्या होता है, हम कोई भी मैकेनिकल इनपुट देते हैं उसको, जो हम कोई भी जनरेटर होता है, इंजन होता है हमारे पास, या फिर हम जो भी कोई अगर टर्बाइन को रोटेट करके एनीथिंग, उससे हमें मैटर नहीं करता। हम मैकेनिकल जब इनपुट देते हैं तो ये मशीन क्या है, अगर हमें उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में देने लग जाती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। अगर सेम यही मशीन है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल इनपुट दूं इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और अपने को मैकेनिकल आउटपुट देगी, तो इसको हम बोलते हैं डीसी मोटर। ठीक है, तो इस सिंपली अपनी मशीन आ गई है जिसमें डीसी मशीन को हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे डीसी मोटर की बात कर लेते हैं अभी। तो सबसे पहले बात की जाए डीसी मोटर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे देख लेते हैं। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स विच मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, फोर्स कितना रहेगा, BAL, जो कि है न्यूटन्स रहता है। ठीक है, ये हम सबको पता है और ये डेफिनेशन हर किसी ने रट की है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये पता है किस तरह काम करता है। और यहाँ पे मैं अगर ये भी आपको मैं आगे थोड़े डिफाइन करके समझाऊंगा, और ये हमेशा याद रखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, अपना जो जनरेटर होता है, जनरेटर हमेशा राइट हैंड पे वर्क करता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे, और जो मोटर होती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है। तो इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि हम मैंने जिस तरह शॉर्ट ट्रिक से इसको याद रख रखा है, अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन होती है तो इस तरह से याद रख सकते हो। हमारे लेफ्ट हैंड के मुकाबले राइट हैंड में थोड़ी ज्यादा पावर होती है, और जनरेटर को पावर प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब वहां पे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ता है। तो ज्यादा पावर किस हैंड में होती है, राइट हैंड में होती है, इसलिए अपना जनरेटर है जो राइट हैंड रूल पे वर्क करता है, मोटर है वो लेफ्ट हैंड रूल पे वर्क करती है। ठीक है, उसी तरह सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है जो फ्लक्स है वो कौन किससे डिनोट करते हैं, करंट है वो मिडिल फिंगर से डिनोट करते हैं, वो आपको पता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल के बारे में। ठीक है, सिंपली इस बारे में इतनी बात नहीं कहेंगे। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम्स में एग्जांपल लेके समझाया हुआ है। पहले एग्जांपल में हम जनरेटर का लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्रॉस पे देखा हूँ, क्रॉस के अंदर जब हम करंट क्या है इन करते हैं, क्रॉस के साइन से आप क्या देखते हो, जो आपके पास स्क्रू होता है, सिंपली स्क्रू के बैक साइड में जहां पे आप उसको स्क्रू ड्राइवर लगाते हो, तो वहां पे भी तो आपने देखा होगा इस तरह का क्रॉस होता है ना, जब फोर ड्राइवर वाला स्क्रू आप स्क्रू ड्राइवर यूज करते हो उसको टाइट करने के लिए। सेम वही देखिए, मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर से आपने स्क्रू कसना है, यहाँ पे क्रॉस का मतलब स्क्रू है, आप जैसे इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाओगे इसको रोटेट करोगे तो किस तरह से करोगे, यहाँ पे जनरेटर की बात हो रही है तो आप अपना राइट हैंड यहाँ पे यूज करोगे। राइट हैंड मैं मानता हूं मेरे हाथ में स्क्रू है, मैं इसको स्क्रू टाइट करूंगा तो राइट हैंड से तो इसी तरह रोटेट होगा ना, मीन्स टू से मेरा क्या है, यहाँ पे रख के मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। सेम तो देखिए यहाँ पे फोर्स अपना इस डायरेक्शन में लगेगा, करंट इसमें से इन कर जाएगा। वहीं सेम केस में अगर मैं मोटर की बात करूं तो हमें पता है यहाँ पे अपना क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। अगर मैं इसको सिंपली सेम वही केस है, अगर मैं क्रॉस से है करंट अपना इंटर कर रहा हूं, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड में अगर मैं स्क्रू को पकड़ूंगा और उसको जब मैं रोटेट करूंगा इस डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, मीन्स टू से इस डायरेक्शन में घूमेगा ना। सेम इसी तरह से आप इनको याद रख सकते हो, काफी एक बार मैं आपको फिर से बताया, तो लेफ्ट हैंड में जैसे आपके पास इस तरह पकड़ा हुआ, अगर आप मान ले स्क्रू कस रहा हूं तो इसको इसी तरह से रोटेट करूंगा ना, इसी तरह से मीन्स ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सिंपली मैंने कोयल को नाम दे रखा है, मैंने पीछे वाले लेक्चर में काफी अच्छे से बताया था आपको, ये अभी सिंपली थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे बी से ए, फिर सी, डी आ रहा, जब ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे तो देखिए यहाँ पे फिर ये डी वाला इस तरफ आ गया कोयल, और ये वाला कोयल इस तरफ आ गया, फिर इसमें करंट रोटेट होता रहेगा। सेम वही फॉर्म है यहाँ पे, कोयल देखिए पहले 0 से 180 डिग्री पे थी, फिर कोयल क्या है अपनी फोल्ड होगी, सिंपली चेंज हो चुकी है, तो ये 180 से 360 डिग्री पर आ गई है। उसके बाद बात करते हैं अब क्या सच में अपनी मोटर है जो डीसी पे काम करती है, कि हम उसको डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या वो डीसी पे चलेगी, वो चीज भी यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। सिंस कम्यूटेटर इज रोटेटिंग विद द कोयल, हमें पता है कम्यूटेटर भी यहाँ पे जो है रोटेट कर रहा है कोयल के साथ में, सही बात है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कोयल इज
यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक डायरेक्शन, बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है जो दोनों तरफ काम करता है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब एक तरफ काम करता है। इन केस इफ द कम्यूटेशन इज अज्यूम टू बी स्टेशनरी देन द टॉर्क विल बी बाई डायरेक्शनल एंड ड्यू टू विच एवरेज टॉर्क इज जीरो। ठीक है, अगर ये बाई डायरेक्शनल टॉर्क हो जाता तो बाई डायरेक्शनल मतलब क्या है, एक बार ये कॉइल है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट लाइट करके समझा रहा हूँ, अगर पहले केस में मान ली थी 0 से 180 शिफ्ट हो रही थी तो मान के चलता हूँ अगर लेफ्ट साइड में जाने की कोशिश करती तो यहाँ पे क्या है 180 से 360 आ गया तो वो राइट साइड में जाने की करती, तो दो टॉर्क है, एक बार तो इधर जाने की कोशिश करा, एक बार इधर जाने की कोशिश करता, नेट टॉर्क क्या हो जाता, जीरो हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें तो बाई डायरेक्शनल फोर्स की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल है ताकि एक तरफ है मोटर है वो रोटेट करती रहे। मान लीजिए मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो इसी तरह से मोटर रोटेट करती रहे। Hence, also we can observe that the commutation action is to be converted DC to AC and armature flux is stationary. तो हमें क्या है DC को AC में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब कुल मिला के बात ये आ जाती है आपकी जो DC मोटर होती है आप उसको सप्लाई तो जरूर DC देते हो बट जब वो वर्क करती है एक्चुअली तो उसके अंदर कोयल्स के अंदर AC जाती है, तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कम्यूटेटर लगा होता है। जब आपका जनरेटर के केस में मैंने क्या बताया था आपको मैकेनिकल रेक्टिफायर काम कर रहा था तो यहाँ पे ये आज मैकेनिकल इन्वर्टर काम कर रहे हैं, वो मैं आपको अभी आगे बता देता हूँ कैसे कर रहा है। टू प्रोड्यूस यूनिडायरेक्शनल टॉर्क एंड आल्सो कन्वर्ट डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई इन द कोइल इन दिस मेड इट इज कॉल्ड द मैकेनिकल इन्वर्टर। वही बात है, अगर हम इसको डीसी सप्लाई देंगे तो मैंने आपको जैसे बताया बाई डायरेक्शनल हो जाएगा तो हम इसको एसी सप्लाई देते हैं, बट ये अपनी डीसी मोटर है तो हम इसको डीसी सप्लाई देंगे। जिसका कम्यूटेटर होता था जो डीसी जनरेटर के केस में क्या करता था, इसमें प्रोड्यूस होने वाली एसी सप्लाई जो कोयल में प्रोड्यूस होती थी, कोई भी जनरेटर है उसमें एसी सप्लाई प्रोड्यूस होगी, उसको हम यहाँ कम्यूटेटर की मदद से उसको मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं, यहाँ पे डीसी आउटपुट ले लेते थे, सेम इसी में कर रहे हैं, मैकेनिकल इन्वर्टर यहाँ पे बोला गया है इसको, और जो अपनी डीसी सप्लाई है उसको एसी में करके इसमें फीड की जा रही है, इसमें इनपुट दी जा रही है कोइल्स में ताकि ये अपने को यूनिडायरेक्शनल है जो टॉर्क दे सके। ठीक है, टॉर्क अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई होता है जो कि आप करंट दे रहे हैं आई वन। ठीक है, रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी वन चाहे वो फ्लक्स हो या फिर करंट हो वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये भी हमें पता है अगर हम यहाँ पे कोई साइड चाहे तो फ्लक्स की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें या फिर करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, इससे क्या है इसकी रोटेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ये मैंने आपको जनरेटर वाले केस में सेम वही बताया था, इसमें क्या है सिंपली इनपुट देते देर वहां मतलब इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं वहां पे आउटपुट इलेक्ट्रिकल अपने को मिल रही थी जनरेटर वाले केस में, तो मैंने आपको अलग अलग डायग्राम से बताया था अगर मैं खाली फ्लक्स को चेंज करूंगा तो क्या इसका रोटेशन था वो चेंज होगा या नहीं होगा, अगर मैं करंट को चेंज करूंगा तो होगा या नहीं होगा, अगर मैं दोनों को चेंज कर दूंगा तो रोटेशन में क्या फर्क आएगा। इसी तरह से मैंने कम से कम 8-9 एग्जाम्पल लेके आपको विद डायग्राम ये सिखाया था, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर देखे नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाएंगे। अब देखते हैं मोटरिंग एक्शन कैसे रहता है। मान लीजिए अपने पास ये जनरेटर है, अगर इसको मैं मैकेनिकल इनपुट दूंगा तो अपने को इलेक्ट्रिकल आउटपुट ये देगा, बट इसके अंदर कुछ ना कुछ अपोजिशन टॉर्क भी प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं देखिए यहाँ पे, व्हेन मोटर रोटेट आर्मेचर कंडक्टर विल कट द फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस इन देम अकॉर्डिंग टू राइट हैंड। अब मान लीजिए अपनी मोटर रोटेट कर रही है तो वो फ्लक्स को कट करेगी, तो उसके कारण कट किया तो उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी ना, जो क्या करेगी जो अपनी मेन जो फ्लक्स है उसको अपोज करेगी। अब मान लीजिए आपने कोई भी पावर, मैं मान के चल रहा हूं एक एग्जाम्पल की तरफ, नंबर ले लिया मैंने, आपने 10 पावर ली, इसकी मैं कोई यूनिट नहीं ले रहा, एक बार मान लीजिए आपने 10 फोर्स सप्लाई किया तो आपको पता है जैसे ही कोई कंडक्टर्स है वो फ्लक्स को कट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगी ना अकॉर्डिंग टू रूल्स। ठीक है, तो जो आपका 10 फोर्स लग रहा था ये फ्लक्स को कट कर रहा है तो 2 इसके अंदर मान के चल रहा हूं अलग से इंड्यूस होगी ईएमएफ, तो वो 10 को क्या करेगा आपका डाउन करने की कोशिश करेगा, मैं 10 में से 2 रिमूव कर देता हूं तो 8 रहेगी ना, तो अपनी जो पावर होती है उसको बैक करने की कोशिश कर रहा है, उसको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, यही तो बैक ईएमएफ है। तो ये किस कारण हो रही है, जनरेटर जब कट करता था तभी तो उसमें पावर प्रोड्यूस हो रही, तो जनरेटर राइट हैंड रूल पे काम करता है, इसमें कंफ्यूज मत होना। इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द सप्लाई वोल्टेज, देयरफॉर इट इज आल्सो
कॉल्ड दी बैक ईएमएफ और काउंटर ईएमएफ, इसीलिए हम बैक ईएमएफ भी बोल देते हैं, कुछ लोग इसको काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। तो जो हमने सप्लाई वोल्टेज दी थी यहाँ पे, उसको क्या कर रही है, बैक ईएमएफ कम कर रही है। तो बैक ईएमएफ अपने जनरेटर में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो आप लोग समझ गए होंगे, अगर कुछ समझे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं तो आगे मैं तो बताने ही वाला हूं उनको। ठीक है, बैक ईएमएफ कैसे निकालते हैं, सिंपली फॉर्मूला आपको पता है P5NZ/60A, फॉर्मूले मैंने काफी अच्छी तरह से डिफाइन करके आपको बताए थे। और बैक ईएमएफ हमेशा अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है फाई एन के। उसके बाद जनरेटर की बात कर लेते हैं, जनरेटर में क्या होता था, इन जनरेटर द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए टॉर्क अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर एज द ओवरकम द अपोजिशन, एग्जांपल अप्लाई मोर फोर्स टू द रोटर मैकेनिज्म। ठीक है, दिस एक्शन मेक द मैकेनिक मशीन टू एक्ट एज ए जनरेटर। वही बात है, कोई भी है, मैं मान के चल रहा हूँ अपना जनरेटर होता था, वो अपनी कोई ना कोई सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा था, अगर हम उसके ऊपर लोड बढ़ा देते तो हमें क्या करता था, हमारा जब इलेक्ट्रिकल लोड उसके ऊपर बढ़ जाता था, उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होता था, जो इनपुट अप्लाई कर रहे थे हम जनरेटर में, वो भी हमें बढ़ानी पड़ती थी। सेम वही केस हो रहा है यहाँ पे मोटर्स में। तो ये तो सिंपली बेसिक कॉन्सेप्ट थे, अगर आपने जनरेटर पढ़ा है तो आपको काफी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे ये वाले कॉन्सेप्ट, हो चुके हैं आई थिंक। तो मेनली इससे आगे वाले लेक्चर में अपनी जो है डीसी मोटर स्टार्ट होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कौन सी मोटर होती है वो ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बना देता हूं तो वीडियो एक्चुअली 30-40 मिनट की हो जाती है और काफी बोरिंग लगती है, और इसीलिए मैं अभी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और एक्चुअली मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है, वैसे तो बहुत सी एकेडमीज है ऑनलाइन जो आपको फ्री में कोचिंग दे रही है, वो आई थिंक मेरे से तो बहुत अच्छा आपको पढ़ा रही होगी, बिकॉज मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ और वो तो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, बट उनके जैसे लाइव सेशन चलते हैं 1-2 घंटे के। तो किसी स्टूडेंट को मान लीजिए पर्टिकुलर कोई टॉपिक की डिमांड है, तो ऐसा तो नहीं है ना उसको पता होगा कि हाँ इसी सेशन में सर ने वो टॉपिक करवाया है, अगर वो टॉपिक करवाया भी है तो वो बंदा 2 घंटे का पूरा लेक्चर ढूंढ ढूंढ के उसके बीच में वो टॉपिक थोड़ी निकालेगा। इसीलिए मैं कुछ इस तरह से अपने लेक्चर डिजाइन करता हूँ, 15-20 मिनट, 10 मिनट का या आधा घंटा का, ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, मेरे को पता होना चाहिए मेरी डीसी मोटर है वो किस तरह काम करती है। डीसी मोटर के अंदर भी तो बहुत टाइप आ गए ना, अब डीसी मोटर के कहकर मैं 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पे डाल दूं, तो 2 घंटे में अगर वो उसको डीसी मोटर में शंट मोटर का देखना था, तो वो कैसे देखेगा, नहीं देख पाएगा ना। इसीलिए मेरा थोड़ा बहुत ये रहता है कि मैं थोड़े इस तरह लेक्चर डालूं, और काफी लेट हो जाता हूं लेक्चर्स के बारे में, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज मैं भी खुद प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मेरे सब्जेक्ट जितने मैं कर लेता हूं तो एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता जितना मैं एक दिन में पढ़ा है उसकी सारी की वीडियो बना दूं, तो टाइम नहीं लग पाता। अगर किन्हीं दोस्तों को, एक दो दोस्तों को काफी मैसेज आते हैं, तुम तो वीडियो नहीं डालते यार, ऐसे वीडियो कौन देखेगा अगर इतने लंबे टाइम में वीडियोस डालोगे। सॉरी भाई, अगर मेरा ऐसा कोई नहीं है, प्रोफेशन है मेरा वीडियोस डालना, बट थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो मैं डाल देता हूँ, बट जितना मेरे से हो पा रहा है मैं करूँगा। दोस्त अगर आप लोगों को कोई बात नहीं, पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दूंगा, अगर आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे ही मेरे से टाइम होता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पे हम बाकी डीसी मोटर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।